आज हम देखेंगे कि प्याज के छिलके को यूज करते हुए एक बेहतरीन चीज कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे प्याज के छिलके की, जो कि हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि वो भी कितना वैल्यूएबल, कितना बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा हेयर टोनर जो कि आप इस प्याज के छिलके को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। इसका मतलब आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है और आपका टोनर बनके तैयार हो जाएगा। इस टोनर को यूज़ करने के बाद आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। बालों में रूजी की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बालों में शाइन नहीं है और सबसे ज़्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम, इन सब से छुटकारा आप पा सकते हैं इस टोनर से। तो मैंने यहाँ 5 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसे मैं छील लूँगी क्योंकि इसका छिलका ही हमें यूज़ करना है। आप दोस्तों 5 से 6 प्याज ले सकते हैं। अगर बड़े साइज़ का प्याज ले रहे हैं 2 से 3 काफ़ी है। अगर छोटे साइज़ का प्याज ले रहे हैं तो 7 से 8 ले सकते हैं। तो यहाँ इन सब प्याजों को छील लेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने छिलके को अलग रख दिया और प्याज को अलग रख दिया है। प्याज आप किसी भी सब्जी, किसी भी रायते में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ मैं इस टोनर में यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों, और ये है करी लीव्स। ये आपको घर के आसपास कहीं भी मिल जाता है, ये भी आपको फ्री में ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमारा टोनर जो है बिल्कुल फ्री में बनने वाला है। उसके लिए मैंने यहाँ चढ़ा दिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 ग्लास करीब पानी। पानी नॉर्मल मैंने आरओ वाला लिया है दोस्तों। यहाँ मैंने दोस्तों एक छोटी सी स्टील की कढ़ाई ली है। आप चाहे तो नॉनस्टिक ले सकते हैं, लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, एलुमिनियम भी ले सकते हैं। अब इस पानी को बॉईल होने रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, और जितने भी प्याज के छिलके जो हमने अभी निकाल के रखे थे वो मैं सब इस कढ़ाई में डाल दूंगी। और इसके साथ मैं डालूंगी यहाँ पर करी लीव्स। 1 मुट्ठी के करीब मैंने करी पत्ता इसमें डाल दिया है दोस्तों। अब इसे उबलने रख देंगे। 10 मिनट के करीब मैं इसे उबालूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो रहा है। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे दोस्तों। इस टोनर की खासियत ये है कि इसको लगाने के बाद आपके बालों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और जो लोग तेल लगाना पसंद नहीं करते, बालों में चिपचिपा हो जाता है या फिर किसी और रीज़न से, वो भी इस टोनर को यूज़ कर सकते हैं। अब 10 मिनट के करीब हो गया है दोस्तों। ये देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया है, रेडिश हो गया है। इसका मतलब हमारा टोनर बन के तैयार हो गया है। बस 1-2 मिनट और इसे बॉईल कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के रख देंगे दोस्तों। जब ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से इसे छान लेंगे एक स्ट्रेनर की हेल्प से। और दोस्तों ये आपका टोनर जो है पूरा 1 हफ्ता चलता है, मतलब 1 हफ्ते में आप 2 से 3 बार यूज़ कर लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, जो छन के ऊपर आ गया ये अब असली कचरा है, इसे आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए। तो देखा दोस्तों, जो चीज़ें हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं वो कितना वैल्यूबल है। और दोस्तों इसमें करी लीव्स है, अनियन पील्स है, इसका मतलब ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, अमेजिंग भी है। क्योंकि करी पत्ता हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, अनियन हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। दोस्तों साउथ में जो लोग रहते हैं उनके बाल आपने देखे होंगे कितने घने, कितने काले, कितने मजबूत होते हैं, क्योंकि वो करी लीव्स यूज़ करते हैं अपने खाने में। अब इसको लगाना कब कब है वो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। वैसे तो आपको इसको फ्रिज में रखना है, और जब आप इसको यूज़ करेंगे 2 घंटे पहले निकाल लीजिए, रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए तब इसको यूज़ करना है। और रात भर इस टोनर को आप बालों में लगा के रखिए, सुबह आप हेड वॉश कर लीजिए। या फिर अगर आपके पास पूरे रात का टाइम नहीं है, ओवरनाइट का टाइम नहीं है लगाने का, तो आप सिर्फ 2 घंटे पहले लगा लीजिए बाल धोने से। उससे भी आपको इसके सारे के सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से फ्री में घर बैठे बैठे हम लोगों ने अपने हेयर टोनर बनाने का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस टोनर को ज़रूर बनाएं, ज़रूर यूज़ करें, और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।